सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? हो सो बहुत अच्छे होंगे। इस क्विक वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स कैसे हम लोग चेक कराते हैं। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो बेसिक सी जो बात है प्राइम नंबर्स के साथ, वो क्या है? फैक्टर्स जो होते हैं उसके टोटल कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। फाइन, सो ये बहुत क्विक वीडियो है, जिसे लाइक ऐसे मैं कुछ क्विक वीडियोज बनाता रहूँगा। तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो उसका हम केवल लाइक क्वेश्चन देखेंगे। एन इज इक्वल टू वॉट? एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फाइन, ये आपका नंबर की एंट्री होगी। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? फॉर आई इज इक्वल टू वन, नंबर तक जाना चाहिए। फैक्टर निकालने का तरीका होता था आई की वैल्यू प्लस प्लस, और यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर देंगे। आफ्टर दैट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इफ एन मॉड आई इज इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तो आप क्या करा दो, एक यहाँ पे हम लोग काउंटर ले लेंगे। सी ओ, सी ओ की वैल्यू इनिशियली हम लोग जीरो दे देंगे। फाइन, तो सी ओ हम लोग क्या कर देंगे? प्लस प्लस। फाइन, और जैसे ही सी ओ की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी तो यहाँ पे आपका जाएगा ये। फाइन, सो इफ़ सी ओ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ग्रेटर देन लाइक काउंटर की सी ओ की वैल्यू इक्वल इक्वल टू टू होगी, दैट मीन्स ये क्या हो गया? आपके दो फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन प्राइम। फाइन, और एल्स आपका क्या हो जाएगा? और अगर दो फैक्टर नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट एल एन और नॉट प्राइम। तो होप से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे कुछ क्विक वीडियो से आपके बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सा क्या होता है, प्राइम नंबर इज़ नथिंग बट उसके अंदर में फैक्टर्स को काउंट कराना है। फैक्टर्स को क्या कराना है? काउंट कराना है। तो हमने यहाँ पे सी ओ ले लिया है, और सी ओ को लेने के बाद यहाँ पे प्लस प्लस करा दे रहे हैं। तो सी ओ प्लस प्लस से हमें फैक्टर्स काउंट हो जाएंगे। यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जा रहे हैं? काउंट हो जा रहे हैं। होप सो आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी। सी ओ की वैल्यू अगर टू है, टू से ना ही कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सी ओ की वैल्यू टू लगाई है। और ये आपका फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सो बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ आप बताइए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।